बचपन से जो भी किया सब असल है, भाई की हसल है। इसको बोला मैंने केचप लेके आया एक्स्ट्रा में, ये बता क्या करके ले आया? धोखा मिला है, धोखा। दिनेश बंदी बनवा दे भाई, मजाक से अब नहीं रहा जा रहा है। चलो आई बनवा देता है, अगले ब्लॉग में दिनेश की बाबू से मिलने जाएगी। मेरी भी दिल में थी पर अब थोड़ा उतर के नीचे आ गई है। तो क्या हाल चाल दोस्तों आप सभी के, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहना। तो स्वागत है आप लोगों का अमन पाठक ब्लॉग्स में। और भाई मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलूं या गुड आफ्टरनून बोलूं या क्या बोलूं। और अभी टाइम बताऊं, 2:15 हो रहे हैं भाई दोपहर के। और भाई कल तो बड़ी दिक्कत हो गई थी, मैं बता नहीं सकता। कल मैं ब्लॉग शूट करके आया, शाम में 6 बजे जाके ब्लॉग बनाया है और भाई रात के 12:30 बजे मैं घर आया हूँ, रात के 12:30 बजे। और मैं तुरंत बैठ गया था ब्लॉग एडिट करने के लिए। जैसे ब्लॉग एडिट करने के लिए बैठा और 3:30 बज गए भाई, मेरे को टाइम पता ही नहीं चला एडिट करते करते। जस्ट 15 मिनट पहले मेरा ब्लॉग पूरा कंप्लीट हुआ है। ये रहा उसका थंबनेल भाई, आप लोग देख सकते हो। मेरा एक दोस्त आया मोनू, जो कि मेरे स्कूल फ्रेंड है, मेरा एक ही दोस्त है, जिगरी दोस्त है, लेकिन मैं मानता हूँ उसको जिगरी, ठीक है, एंड वो भी आई थिंक मानता ही है। तो आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और मैं 3-4 दिन पहले जाने वाला था, बट बारिश इतनी गंदी हो रही थी भाई दिल्ली में, क्या बताऊँ मैं आपको। भाई से मिलते हैं और भाई वो स्कूल की यादें ताज़ा करते हैं। 4-5 महीने बाद वो यूपी से आ रहा है, तैयार होके आता हूँ भाई। मैं कैसा गंदा लग रहा हूँ यार आज, जब तक स्टेडियम लो आ रहा हूँ। A few moments later. तो भाई मैं ना सुबह से प्लान बना रहा हूँ कि मोनू से मिलूंगा और 2:30 बजे मैं नहाने वाने चला गया था, रेडी हो गया था 3 बजे तक, क्योंकि मोनू ने बोला था 3:30 तक आ जाइयो। फिर उससे मेरी बात हुई, उसने बोला कि भाई एक काम कर 5:30 तक आ जाइयो, मेरा ऑफिस का भी काम कंप्लीट हो जाएगा, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है अभी, ठीक है। तो उसने बोला आ जाइयो। और मैं अभी आपको टाइम बताऊं तो 7:30 बज गए हैं और मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूं, शाम हो गई है 7:30, ऑलमोस्ट रात ही हो गई है समझ लो, है, बट फिर भी अभी तक नहीं मिला क्योंकि भाई उसको अर्जेंटली कोई काम आ गया भाई, वो वहाँ चला गया। तो वो बोला है कि अमन आना है तो आजा, मैं मिल लेता हूँ, बट वो थोड़ी देर मिलने वाले में फिर वो मजा नहीं है समझ रहे हो। और अभी तो घर में भी कोई भी नहीं है भाई, अकेला ही घर पे हूँ मैं, ठीक है। वो टाइम 7:30 बज गए, भूख लग गई है, घर में कोई नहीं है एंड मुझे किचन में घुसना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किचन में मैं सिर्फ तभी जा सकता हूँ जब मम्मी ना हो, मम्मी आने वाली है थोड़ी देर में, ठीक है। तो क्यों घुसेंगे भाई हम, अब यही खा के भाई अपना गुजारा करना पड़ेगा, क्या करें, क्योंकि भाई मुझे तो लग गई है भूख भाई। अब मेरे को लग रहा है मेरे को मम्मी का ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मम्मी ही कुछ कर सकती है आपके, मैं तो पसंद नहीं है भाई कुछ बनाना और चॉकलेट ज़्यादा पसंद भी नहीं, फिर भी थोड़ा सा खा लिया है भाई। लग रहा है 2024 में बहुत तगड़ा रिसेशन आ गया भाई। भाई पढ़ पढ़ के मैं पागल हो चुका हूँ भाई, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा भाई। मैं जॉब इवन सर्च भी कर रहा हूँ, मेरे को किसी वजह से ना अभी जॉब चाहिए, उसका रीज़न मैं आने वाले कुछ ब्लॉग में बता दूँ आपको कि मैं अब दोबारा फिर जॉब के फील्ड में क्यों जा रहा हूँ, जब मैंने खुद ही जॉब छोड़ी थी। तो भाई शायद आ गए हैं अभी लोग, अब देखते हैं। मम्मी को बोलते हो यार कुछ बनाया खाने के लिए, बहुत तगड़ी भूख लग गई है भाई साहब, अभी मैंने नीचे देखा है टाटा पंच आ गए, टाटा पंच। तो भाई मुझे आना पड़ा है अपने YouTube वाले रूम में और YouTube वाले रूम की जरा हालत देखो भाई, कितनी बेकार हो रखी है, क्योंकि ये हमारी जो बच्ची है ना, ये है बहुत ज़्यादा शैतान। क्या क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे एकदम से थोड़ा सा दे दो ना। एंड भाई बात रही मोनू की, धोखा मिला है, धोखा। मोनू नहीं आया भाई मिलने यार, है, और मैं जा रहा था तो मैं भी नहीं जा पाया क्योंकि भाई को काम आ गया, ठीक है, समझ रहा हूँ इमरजेंसी है, इसलिए जा मोनू तेरे को माफ़ कर दिया। पता चले मोनू कमेंट कर रहा है, रामाशंकर गुप्ता नाम से उसका यूट्यूब पे है ना, वो भाई कमेंट मारेगा अमन भाई मैंने कब धोखा दे दिया। पक्की बात है वो देखता है मेरे ब्लॉग, वो पक्का कुछ ना कुछ कमेंट करेगा तगड़ा इस पे। भाई मोनू से मिलने का तो प्लान कैंसिल हो गया है, और तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं आप लोगों को जो मैंने रैप लिखी थी ना भाई, वो मैं आप लोगों को रैप सुना दूँ। और इसमें ना अजय ने भी आधी रैप अजय ने लिखी है, आधी रैप मैंने लिखी है, और गाना अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ अलग ही टाइप का होने वाला है। डिस करने वाले हैं एमी वे एंड रफ्तार, सभी को कर देंगे भाई, सभी को, बहुत तगड़ा लिखा है मतलब एक नंबर। तो मैं आप लोगों को ये वाला अपना रैप का नाम है बचपन, ठीक है, मतलब गाने का नाम बचपन है। अब मैं आप लोगों को 4 यानी 6-7-8 लाइनें सुना देता हूँ भाई कि कैसा है, ठीक है। बचपन से जो भी किया सब असल है, भाई की हसल है, बचपन में बोदी थी फसल, ये असल की हसल है, बसर नहीं, ये करते हैं पार्टी पर जश्न नहीं, आज पैरों में नाइकी है चप्पल नहीं, तू ढापता पर तुझ में अकल नहीं, इन्हें चाहिए बस पैसा और शगल नहीं, ऐसे कुछ लिखा है भाई एक नंबर। भाई बंद कर देता हूँ, पता चले कि कॉपीराइट आ जाए भाई, ठीक है। कैसी लगी रहा है आप कमेंट करके फटाफट बताओ। तो फिलहाल इसको तो बंद करता हूँ भाई मैं गाने को, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा, हमारे घर वालों से भी ज़्यादा। वीडियो में जहाँ कुछ बोला ना अंटे शंट या कोई वीडियो चला दी या म्यूजिक चला दी, ले दैट बेटा अपने पास रख अपनी वीडियो, हम हटा रहे यूट्यूब से। बहुत वेट करने के बाद अब जाके मेरा खाना मेरे को मिला है, मम्मी ने दिया है, जो कि ये है। भूख लगी ना, इतनी गंदी भूख लगी है, खाना जब भूख लगी है तो चाहिए, वरना मैं बाहर जाके कुछ भी खा लूँगा जो मिलेगा, इंसान भी खा जाऊँगा।
A few moments later. भाई मम्मी ने जो खाना दिया था ना, दो रोटी दी थी, उससे मेरा कुछ नहीं हुआ भाई, पेट तो भरा नहीं। तो मैं निकाल रहा हूँ अपने बुलंद और अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने। तो भाई मैं फिलहाल मोनू से तो मिला नहीं, लेकिन मैंने दिनेश को बुला लिया है। दिनेश से मिल लेते हैं और चलते हैं कुछ खाने पीने बढ़िया वाला, मजे आने वाले हैं। तो फटाफट निकालते हैं अपने बुलेट और चलते हैं, जब तक के लिए स्टे ट्यून। फाइनली मेरे साथ आ गया है दिनेश, ये रहा दिनेश, ठीक है, और ये रही अपने बुलेट। अब हम यहाँ पे खाने वाले हैं यूनिटी मॉल, मॉल के अंदर। वैसे तो ये खाना खाने वाला था घर पे, इसको कॉल कर दिया मैंने कि भाई आ जा। तो फटाफट चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं भाई क्या खा सकते हैं। तो लो भाई अपना ऑर्डर आ गया भाई, बर्गर किंग हम आ गए हैं। और बर्गर किंग में अपन ने भाई सबसे सस्ते वाली मिल ली है, जो कि भाई कितने रुपए की है? 99 रुपए की है भाई, 99 से ऊपर हम जाते ही नहीं है कहीं भी। जीएसटी लगा के 207 जीएसटी लगा 207 दो मिले, ओह माय गॉड। कोई नहीं, जीएसटी के लिए तो अजय बैठा है। भाई अजय को मिस कर रहा हूँ आज मैं, और पता नहीं यार एक रेड लाइट शायद क्रॉस हो गई मेरे से, पता नहीं क्या हो गया, शायद उसका कुछ चलान चलून ना आ जाए, मेरे को उस चीज़ का भी डर है भाई थोड़ा सा। रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। अजय बढ़ देगा भाई, उसकी टेंशन नहीं है मेरे को। तो भाई अपना आया क्या है, वेज नॉर्मल मील ली है हमने 100 रुपये वाली, फटाफट खाते हैं क्योंकि मैं इससे ज़्यादा हैवी खाऊंगा तो मेरे पेट में हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। और मैंने घर में खा लिया था ना, दिखाया था ना मैंने, दो रोटी खाई थी, तो उस इससे ज़्यादा अब कैपेसिटी है नहीं वैसे है। तो चलो अब एक चुस्की लेते हैं भाई, उसकी बोल दो चुस्की। चाय चुस्की ले रहे हो? मैं चाय बोल दिया, चाय भी नहीं मन कर गया मेरा, वो भी लेंगे। और तुझे पता है ना मैं निकल भी जाऊँगा फिर। एक बार हमने बताया कर दिया बर्गर किंग में, इसको बोला मैंने कैचअप लेके आया एक्स्ट्रा में, ये पता क्या करके ले आया, 1 2 3 4 5 कैचअप उसने दी ऑलरेडी, इसने 4 डलवा ली भाई, था पहले 5 डलवा ली थी। अरे मैं 10 कैचअप थी, एक बर्गर एक फ्रेंच फ्राइज थी भाई, और 10 कैचअप थी। कैचअप आज ये फिर है, जैसे दिनेश खा रहा था खाना, मैंने उसको कॉल किया, मैंने दिनेश भाई ऐसे ऐसे चलेगा कुछ खाने, ये कहता भैया मम्मी तो खाना निकालने वाली है, अब बेचारे को देखो अभी क्या खा रहा है, ये देख रहा है एक बार इसको करना पड़ता है। पिछले ब्लॉग में अजय को कर दिया था, वो बोला अजय तेरा पड़ा आ गया, आज इसको कर रहा हूँ। अब ना ये काम है भाई, फिर इन लोगों ना कैमरा फेस करने का पहले आदत नहीं थी, हमें एकदम से ऐसे रख दूंगा कैमरा, अरे भाई खाना है। मैं सिर्फ बंदी के हाथ से खाऊंगा, तेरे हाथ से क्यों खाऊं मैं, दिनेश बंदी बनवा दे भाई, मजाक से अब नहीं रहा जा रहा है, चलो आई बनवा देता हूं। कहाँ जाएगा तू, बोलेगा डिजिटल सेंटर, वहाँ वाली बंदी चाहिए नहीं मेरे को, कहाँ कहाँ अपने बाबू घर आप तेरी। तो भाई अगले ब्लॉग में दिनेश के बाबू से मिलने जाएंगे, जो कि है ही नहीं। कहाँ है भाई, सच में है क्या? दिल में यार, दिल में, दिल में है ना, मेरी भी दिल में थी पर अब थोड़ा उतर के नीचे आ गई है। नीचे का? कह रहा हूँ इसको एक बर्गर एक फ्रेंच फ्राइज दे दोगे ना, 10 कचप ले लेगा ये, बड़े आराम से, बड़े आराम से। वैसे अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है पब्लिक में भी वीडियो बनाने का, है ना, है ना। वैसे वो बात अलग है कि कोई है नहीं यहाँ पे, तभी तो बैठे हैं भाई, और ऊपर से मॉल वाले तो गाना चलाते हैं ना, बहन चो दिमाग खराब कर देते हैं। समझ तो उनको भी नहीं आ रहा होगा, समझ तो उनको भी नहीं आ रहा, सही बात है, उनको मेरी हिंदी समझना है, इंग्लिश गलत समझेंगे। दिनेश को फोन करो, दिनेश भाई आ रहा है क्या मिलने, क्या बोलता है फिर ये? आ रहा 5 मिनट में। जब फोन करो दिनेश भाई, ऐसे ऐसे चलना है यार, ये खाना है भैया, 5 मिनट में आ रहा हूँ, वो बंदा आ जाता है जो बात है, यही भाईचारा चाहिए होता है। मोनू ने भाईचारा तोड़ दिया मेरे को लग रहा है यार, मोनू भाई कमेंट नहीं करना, गुस्सा नहीं हो रहा, कल आके तेरे से मिलूंगा। अच्छा नोट, मैं फटाफट खाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अपनी मील खाता हूँ, ठंडी हो गई है भाई, ठीक है, खाना खा के घर जाके ना सीधा अजय से थोड़ा बातचीत करते हैं और वहीं ब्लॉग खत्म करेंगे भाई, स्टे ट्यून है ना। क्या भाई बोल रहे, अजय के लिए रुकना है, अजय भैया रुक जाना, वरना क्या कर लेगा, कह नहीं सकता, फैमिली कंटेंट है। तो भाई अब फटाफट ना घर चल के अजय से बात करेंगे। A few moments later. तो भाई मैं आ चुका हूँ घर और मैंने बर्गर किंग वगैरह का खा लिया, और जब मैं अभी नीचे से आ रहा था ना तो मेरे को अजय दिख गया, और अभी टाइम बताऊँ ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, और देखो अजय अभी आया है ऑफिस से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो भाई अजय अभी जस्ट आया, तो मैंने बताया था ना कि पूरे ब्लॉग में आज अजय नहीं आ पाया क्योंकि इसके ऑफिस की टाइमिंग थोड़ी ऐसी है कि रात में आता है। दिक्कत मत लो यार, लेकिन आने वाले ब्लॉग में तुम्हारा भाई रहेगा, ठीक है। अजय अजय मैं एक बार चैलेंज वाला कर लेते हैं, वो 24 आवर्स बाहर रहना है बिना पैसों के, वो भी
कमेंट कर दो भाई वीडियो के नीचे, कर देंगे भाई। अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया तो हम 24 आवर्स बाहर सर्वाइव करेंगे, घर से बाहर, और वो भी बिना पैसों के, बस आपके कमेंट की देरी। ठीक है तो भाई ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मैंने बोला था अजय से मिलवाऊंगा, मिलवा दिया, एंड यहाँ पे खत्म करते हैं अपना ब्लॉग। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना दोस्तों, ताकि अपनी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक सबसे जल्द आए। और ऐसे ही कोशिश करेंगे डेली व्लॉग्स बनाने की, और आप लोगों को कैसे लगते हैं हमारे व्लॉग्स या वीडियोस कमेंट करके बताओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।